Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing good and I am also, now I am a little bit good. क्योंकि बाली से आने के बाद मैं जब कोलकाता लैंड करी थी तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं पूरे फ्लाइट में सोते सोते आई हूँ. और इनफैक्ट हम लोग घर भी पहुँचे, मतलब कोलकाता जब हम लोग लैंड किए थे तो इनफैक्ट आधी रात हो चुकी थी. जैसे कि 2-3 बजे करीब मैंने घर एंटर करा और हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मतलब इतने टायर्ड हो चुके थे ना कि कैमरा उठा के रिकॉर्डिंग करने के हालत में नहीं थे. और वैसे आप लोगों ने मोहित के वीडियो में देखा ही होगा, मैं पूरी फ्लाइट सोते सोते आई हूँ, तो इसीलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा. मैंने सोचा चलो ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ कोलकाता आने के बाद वाले दिन का मैं शूट कर रही हूँ, वैसे आफ्टरनून में शूट कर रही हूँ. तो मैंने सोचा कि ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि वीडियो का एंड तो कुछ अजीबोगरीब तरीके से मेरा लास्ट वाला वीडियो हुआ होगा. मैं सोचा चलो नेक्स्ट वीडियो में अपने व्यूअर्स को अपडेट दे देंगे कि एक्चुअली में क्या रीज़न था और कैसा क्या था. तो आज आप लोगों के साथ मैं ये अपडेट भी शेयर करने वाली थी, साथ साथ मैं ये भी शेयर करना चाह रही थी कि मैंने जो बाली इंडोनेशिया में शॉपिंग करा था अपने और अपने फैमिली के लिए, तो मैं सोचा चलो आप लोगों के साथ वो डिटेल में शेयर करेंगे. तो आज मैं वही दिखाने वाली हूँ गाइस, तो स्टे ट्यून. चलिए दिखाते हैं. मैंने वहाँ का जो शॉपिंग मॉल था कृष्णा ओले ओले, क्योंकि अजीबोगरीब नाम था, तो वहीं से हमने शॉपिंग करा खुद के लिए भी अपने फैमिलीज के लिए भी. ज़्यादा नहीं है, छोटा मोटा है, तो मैं सोचा चलो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे. तो चलिए वो दिखाते हैं मैंने कृष्णा ओले ओले से क्या शॉपिंग करा. तो ये जैसा देख सकते हो वहाँ का शॉपिंग मॉल का ये बैग है जिसमें हम लोगों ने शॉपिंग करा था. तो मैंने जो शॉपिंग है तो मैंने सोचा चलो इसे बैग में रख लेते और आप लोगों को भी दिखाते हैं. ये बैग भी बहुत कूल जैसा लग रहा है और कपड़े का है, तो इससे एक एक चीज़ आप लोगों को निकाल कर दिखाते हैं मैंने क्या शॉपिंग करा. तो सबसे पहले ये देख सकते हो ये वहाँ का हैंडमेड बैग है जो मैंने अपने लिए लिया है. बहुत ही क्यूट सा है और इसे मैं साइड में यूज़ कर सकती हूँ. वैसे इसका रेंज जो बताऊँगी तो थोड़ा चौंक जाओगे आप लोग, क्योंकि इंडियन करेंसी में शायद ही 700 or 800 होगा, बट वहाँ के करेंसी के हिसाब से मैं इसका प्राइस बता देती हूँ आप लोगों को. 1,11,000, कैन यू बिलीव इट, 1,11,000 का ये बैग है इंडोनेशियन रुपीज़ में. तो ये काफ़ी कूल जैसा लग रहा था और इसे ये खुलता भी बहुत अजीब, मतलब अजीब नहीं, बहुत सुंदर सा मेरे को लग रहा था, इसलिए मैंने ये अपने ले लिया. ये देखिए इस तरीके से इसमें अपना जो भी छोटा मोटा चीज़ मेकअप किट वगैरह रख के मोबाइल रख के बंद कर लो और इसे अपने हिसाब से ले लो, तो है ना काफ़ी कूल चीज़. तो ये पहला चीज़ हुआ. उसके बाद ये वनीला का चॉकलेट जहाँ हम लोगों ने कॉफ़ी पिया था, वो मोहित ने तो कुछ अलग ही टाइप का कॉफ़ी पिया था, उसका तो बात ही छोड़ दीजिए. वो जिस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा था कॉफ़ी का, तो मैंने कहा कि छोड़ो वो कॉफ़ी का डिस्क्राइब मत करो, क्योंकि लोगों को क्या, मुझे ही खुद अजीब लग रहा था. मैं इतनी, मतलब जब वो डिस्क्राइब कर रहा था मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ. और वो जानवर को मैंने देखा, बहुत अजीब तरीके से दिख रहा होगा, आप लोगों ने मेरे वीडियो में नोटिस कराई होगा, मैंने दिखाया भी था, ब्लैक ही सा था. खैर कोई नहीं, उसी दुकान से हम लोगों ने ये चॉकलेट, वेनिला फ्लेवर का चॉकलेट परचेस करा, जो कि टेस्ट तो उन्होंने पहले करा के दिखा दिया था कैसा है कैसा नहीं, तो मुझे ये बढ़िया लगा, तो मैंने अपने लिए भी लिया और उसने अपने लिए भी लिया. तो ये अपने, हम लोगों ने दोनों एक एक करके अपने घर वालों के लिए अपने लिए भी लिया है, क्योंकि हम लोग भी खाएंगे. तो ये मेरा सेकेंड हुआ. उसके बाद ये कृष्णा ओले ओले से हम लोगों ने ये चॉकलेट लिया, उसने अपने फैमिली के लिए लिया, मैंने अपनी फैमिली के लिए लिया. इसमें बस कैंडीज के छोटे छोटे पार्ट है जैसा कि आप लोग देख सकते हो, तो ये अजीब सा लग रहा था. इसका मैं प्राइस बताऊंगी तो आप लोग, मतलब शॉकिंग होने का बात है, क्योंकि इंडियन करेंसी में इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 250 के करीब होगा. 58,500 ये चॉकलेट, 58,500 का है. इसे तो हम लोगों ने भी टेस्ट नहीं करा, अभी टेस्ट करेंगे, लेकिन जो पहले वाला आप लोगों को दिखा है वो टेस्टी था. ये भी टेस्टी होगा, ऐसा तो नहीं ये टेस्टी नहीं होगा. और ये एक टी शर्ट लिया है मैंने जो आई लव बाली लिखा हुआ है, तो बाली का था तो मैंने चलो एक टी शर्ट ले लेते हैं, वो मैंने भाई के लिए लिया है. मैं सही देख सकते हो, फुल कह दिया हाफ टी शर्ट है. और ये सारे मैग्नेट्स हैं जो कि देख सकते हैं, शिप का मैग्नेट है जो कि वुडन टच है, ये वुडन टच है. और ये भी मैग्नेट है, ये देख सकते हो स्लीपर टाइप का है. और ये कुछ रबर जैसा ही है, लेकिन ये भी मैग्नेट है. फ्रिज के लिए लिया है मैंने.
और ये सारे की चेन है, जैसे कि की रिंग जैसे बोल सकते हो, ये थोड़ा यूनिक लग रहा है, जैसे आप लोग देख सकते हो 3 की चेन है इसमें और ये सारे 5-6 पीसेस होंगे, तो ये सारे की चेन मैंने लिए। सारे वुडन टच है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो सारे वुडन पे ही डिज़ाइन वगैरह बनाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये। और लास्टली ये रुद्राक्ष का माला, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, छोटा छोटा सा ये रुद्राक्ष, पता नहीं रुद्राक्ष रियल है या फेक है, पता नहीं, अभी तक खोलेंगे तो पता चलेगा कि मुझे उतना पहचान नहीं है। ये भी बढ़िया लगा इसलिए मैंने ये भी ले लिया। तो ओवरऑल यही सारा मेरा शॉपिंग था जो मैंने इंडोनेशिया वाली से कृष्णा ओलेले मॉल से करा था, तो बस छोटा सा ही था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वैसे तो वीडियो मैंने डिटेल में शेयर नहीं करा था, मैं वीडियो का जो मेरा लास्ट वीडियो था उसका एंड भी मैंने ठीक तरीके से नहीं करा था, तो उसका मैंने सोचा उसका भी अपडेट आप लोगों को दे देते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में कुछ न्यू कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।